सलाम अलैकुम दोस्तों, दिस इज सोनू अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाहौरिये। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं होम प्लेयर प्लस का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके क्रैक्ड वर्जन को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे क्रैक कर सकते हैं, मतलब कि कंप्लीट उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सके आसानी से। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except the pulling more sluts, more butts, more butts. दोस्तों गूम प्लेयर प्लस के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इस लिंक को ओपन करेंगे। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज शो होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद आप नीचे क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। डाउनलोड विद एडवांस जो नीचे आ रहा था उसको आप अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के बाद आप ये क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पर आकर आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास आपकी फाइल शो हो रही है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। जी दोस्तों डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब इसको आप मिनिमाइज कर देंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से शो होगा। अब ये आपका गूम प्लेयर का सेटअप है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन का वो प्रोसीजर है ये मैंने इसमें एक टेक्स्ट फाइल में भी सेव कर रखा है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अब इसको हम फिलहाल मिनिमाइज करते हैं। ये आपका इंस्टॉल हो गया है गूम प्लेयर प्लस। अब इसके बाद बारी आती है इसको क्रैक करने की, तो जस्ट आप क्रैक का फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस क्रैक वाले इस फाइल को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपकी जो इंस्टॉलेशन वाली प्लेस है जहाँ पे वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर आकर उसको ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कॉपी रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू, क्रैक फाइल कॉपी हो गई है। अब जो दूसरी फाइल है आपके पास लाइसेंस फाइल है उसको आपने इस वाले फोल्डर में सेव करना है। ये जो मैंने यहाँ पर आपको पाथ दिया हुआ है आप इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव को, और यहाँ पर आप वो पाथ पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब आप जस्ट यहाँ से लाइसेंस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जगह पर आएंगे जहाँ पर लाइसेंस है, आप यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे और कॉपी एंड रिप्लेस, ये आपका पाथ भी रिप्लेस हो चुका हुआ है। इसे क्रॉस करेंगे, इसे क्रॉस करेंगे, अब आपका गूम प्लेयर इंस्टॉल हो चुका हुआ है और प्रॉपर क्रैक हो चुका हुआ है। अब आप इसके ऊपर आसानी से कोई भी वीडियो रन कर सकते हैं, इजीली इस पर प्ले कर सकते हैं। ये देखिए आपका गूम प्लेयर प्लस लेटेस्ट जो वर्जन है वो आपका इंस्टॉल्ड हो चुका हुआ है। अभी यहाँ पर मैं कोई वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ। ये वो वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं यूट्यूब के लिए, तो इनमें से कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हैं।
देख रहे हैं कि आपके कूल प्ले प्लस के लेटेस्ट वर्जन में बिल्कुल स्मूथली वीडियोस प्ले हो रही हैं, तो ये आपका जो कूल प्ले प्लस है ये प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो चुका हुआ है और क्रैक हो चुका हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आपके साथ ये छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहता था। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ सोनू अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।